अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से शरीर के अंदर के सभी जो विजातीय तत्व होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब हमसे दूर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आइए एक बार इसका हम प्रयास करते हैं करने का। दाहिना हाथ उठा लें, तर्जनी को मोड़ लें और हथेली को अपने मुंह की तरफ घुमा करके दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पर धीरे से रखेंगे और बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राण वायु को भर के फिर बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही भरकर और दाहिना बंद करके बाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट करते हैं और शरीर के अंदर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, ये परिशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते समय मन में एक संकल्प हो कि हे परमात्मा, इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के, वातावरण के सभी दिव्य शक्तियाँ सब हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं और जब सांस को बाहर निकालें तो ऐसा लगे कि मेरे भीतर के सारे विकार, सारी बीमारियाँ हमसे धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लगातार करते रहिए, आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। आंखें बंद, बाएं नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। सबके जीवन में एक आदत सी बन जानी चाहिए कि हमें सुबह सुबह उठकर के अनुलोम विलोम करना है तो करना है, इसके बिना कोई काम ना करे, इसके बिना हमारा जीवन की शुरुआत ना हो, दिन की शुरुआत ना हो। प्रतिदिन सबको कम से कम योग का, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। इससे हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा, सोचने की शक्ति शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि विवेक बढ़ेगा,